हेलो दोस्तों, आज हम पीएचडी एडमिशन का एक नोटिस आया है नीलम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि हरियाणा के अंदर है, कैथल ज़िले पर। कैथल और पेवा जो हाईवे है उस तरफ आते हैं आपके, ये उसी जो जीटी रोड है उसी पे ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। और इसमें ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अंदर इसके अलावा बीए, एमबीए, एलएलबी इन सब में जो है सीट्स हैं। पर हम आज सिर्फ पीएचडी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि हम पीएचडी और रिसर्च से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, इसमें जो प्रोसीजर रहेगा एडमिशन का वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको इसमें 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। और अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है और उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको आपने स्कैन करो, और जो ईमेल आईडी दी हुई है, देखिए ईमेल आईडी अभी दिख दो, ये ईमेल आईडी है, इस पर जाकर आप क्या करना है, आपने सेंड कर देना है। और फॉर्म आपने डाउनलोड करना है www.neelam जो यूनिवर्सिटी है उसकी साइट पर जाके, ये साइट है। इसके अलावा आप बाई पोस्ट, जिसमें रजिस्टर या स्पीड पोस्ट आप भेज सकते हैं, बाई हैंड जाके दे सकते हैं। आपका क्या है, जो एंट्रेंस होगा उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अब क्या होगा, हमने बता दिया कि पीएचडी में एडमिशन के लिए 15 इसकी लास्ट डेट है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें हम मैंने बताया था आपको कि पीएचडी का जो एडमिशन आपने कौन सी बेस्ट रहती है यूनिवर्सिटी लेने के लिए, एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। देखिए सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे बेस्ट क्या होता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जिसका एडमिशन वहाँ होता है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। पर जो है, सरकार ने न्यू पॉलिसी अकॉर्डिंग पीएचडी कंपलसरी कर दिया है, और लगभग हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को मिलाकर लगभग पूरे देश के अंदर 900 यूनिवर्सिटी हैं, और 900 यूनिवर्सिटी हमारी क्या पीएचडी भी नहीं करवाती। और कैंडिडेट देख लीजिए, अगर आप नेट, जो बच्चा नेट दे रहा है ना, आप उसका सच माना, कम से कम 20-20 लाख बच्चे नेट दे रहे हैं। अब आप खुद बताइए, 20 लाख बच्चों से कम नहीं ज़्यादा 8-10 लाख बच्चे तो पीएचडी करने वाले होंगे। और वो अगर वो करने वाले हैं, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्टाफ नहीं है, जहाँ पे गाइड नहीं है, तो वो कैसे कराएंगे? और इतनी सीटें निकलती नहीं है, बच्चों का चेहरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने पीएचडी करनी है, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता तो नीलम यूनिवर्सिटी। देखिए गवर्नमेंट का मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ कि बेस्ट क्यों रहता है। जब आप जॉब लगते हो ना, देखो नंबर तो आप जैसे 25 या 30 जो होते हैं पीएचडी के अंदर, जो एपीआई स्कोर बनता है उसमें, आपके चाहे आप नीलम से करो या आप किसी गवर्नमेंट से करो, बस यूजीसी के अंदर उसका क्या है, नाम होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, आपके नंबर उतने लगेंगे। बट जब आप जॉब के लिए जाते हो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें आपसे जो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं, उनका जो है एफिलिएशन सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। जैसे अभी डीएसएसबी में जो जॉब निकली थी टीचिंग की, उसके अंदर ई डोजर के अंदर जिन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से की है ना, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आप जो एफिलिएशन जो उसका है, यूजीसी से है या नहीं है, वो हमें जो है जमा करवाएं, ठीक है। तो वहाँ जाते हैं। अब जो बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। पर अगर आप क्या है पीएचडी के लिए विलिंग है, आपके प्रमोशन के लिए चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है। काफ़ी मेरे जान पहचान के भी इसमें क्या है पीएचडी कर रहे हैं। एक सर है, मैंने इनसे बात किया, जो यहाँ से 2015-16 के से पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट जो है, जो प्रोसीजर से जो है यूजीसी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम एडमिशन करवाते हैं, और जो है काम चलता है। और इसकी जो फीस है, पिछले साल 3 लाख या लगभग 3 या 3 लाख 25 हज़ार के आसपास रहती है। आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाते हो, तो आप जैसे उनसे बाय पोस्ट या आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करो, तो आपके प्रूफ रहता है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जिनके थ्रू एडमिशन करते हैं, बैक डेट में करवाते हैं, तो उनके साथ समस्या रहती है, मैंने आपको बताया। पर जब आप खुद डीलिंग करते हो, और इन्होंने साफ ये बात देखी, नील यूनिवर्सिटी ने साफ ये बात बोल दी, देखिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे या मेल करोगे, तो आप जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह सकती थी हमारी तो क्या है कि हैक हो गई थी, ये तो कोई और फर्जी है। आप जब यूजीसी केयर लिस्ट में आप जाते हो, उसमें भी साफ कहा जाता है कि आप जो ओरिजिनल साइट है उस पर जाके सर्च कीजिए। तो आप यहाँ देखिए, इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट से ही क्या है मांगा। सबसे बड़ा प्रूफ तो जब आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप इनको पेमेंट करोगे, रजिस्ट्री डाक के थ्रू आप इनको करोगे, अपना जो है डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, तो एक किस्म से ये क्या है, आपको आपका जो है रिसीविंग दिखाएंगे, तो उसके बाद आप फीस भी पेमेंट करोगे। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या है डिमांड ड्राफ्ट से ही मांगा है, ऑनलाइन ही मांगा, और जो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो जाता है जो है आपके पास। दूसरा क्या है कि जो सर से मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे पूछेंगे जेआरएफ मिलता है नहीं मिलता। अब जेआरएफ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके पास अभी तक कैंडिडेट जो भी आए हैं, वो उनका जो है जेआरएफ जैसे 3 साल की वैलिडिटी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं एडमिशन गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन हो नहीं पाता, तो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं, अभी तक किसी को जेआरएफ नहीं मिला। पर ये जो प्रोसीजर होता है जेआरएफ का, जो आपके डॉक्यूमेंट हो यूजीसी के, आप जो ऑफिस है वहाँ ये भेज देते हैं, उसके बाद जो फेलोशिप है वो यूजीसी ने देनी है, आए या ना आए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के पास अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं आया है जो जेआरएफ ले रहा हो, तो वो कहे भी इनका जेआरएफ आया। पर ये जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट यूजीसी की साइट पे डाल देते हैं, उसके बाद अगर आपकी जो जेआरएफ आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आप ये भी, क्योंकि मैंने सर, अगर वो सर कह देते हैं कि भी हाँ भी आ जाता है, तो अब मुझे भी नहीं पता। तो अब आप ये देखिए, एक तो जो पुराने बच्चे यहाँ से आपके लिंक में हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनसे देखिए कि यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह से काम करती है, सबसे बड़ी बात तो वो है।
और मैंने पता किया वो 2016 से पढ़ा रहे हैं, और क्या 3 साल के अंदर हम PhD करवा देते हैं लगभग बच्चों को, और जिन बच्चों की MPhil है उनका कोर्स वर्क भी नहीं होता, ये भी याद रखें। और इनकी खुद जो वाइफ है उन्होंने वहाँ से कंप्यूटर साइंस से PhD की है। तो आप अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म डाउनलोड कीजिए साइट पर जाके और फिल कीजिए, और बाई हैंड बाई पोस्ट या मेल से आप इनको वो कर सकते हैं। बाई पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई हैंड जाइए जिनके आसपास पड़ता है, और इन नंबरों पर कॉल करके आप अदर इंक्वायरीज ले सकते हो, जो अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आपका तो आप वो कर सकते हो। तो आप अगर आपने मैंने आपको बता ही दिया है कि PhD में अगर आपने एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके आसपास एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट ये रहता है कि जहाँ भी आप का एडमिशन हो आप ले लीजिए, क्योंकि आप बच्चे अभी कम हैं PhD के, और जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है। एक और उदाहरण आपको मैं दे देता हूँ कि क्यों कंपलसरी है। अभी देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा कि भी PhD 2023 तक हम उसको कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, पर आपको मैं एक बार बताता हूँ, अभी मैंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया जिसमें PhD कंपलसरी नहीं थी, पर उसमें उन्होंने ये कहा कि 65 या जो जनरल है 65 और जो SC हैं उनको 60% तक के बच्चों को भी बुलाया जाएगा जिनका EPS स्कोर बनता है। अगर आपके हाईएस्ट नंबर भी बनते हैं ना MPhil को जोड़ के भी, तब भी आप 65 तक तब भी नहीं पहुंचते। तो जब तक आपकी PhD नहीं होती तब तक आप 65 तक कैसे पहुंचे, खुद बताइए आप। लगभग अगर मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो 60 के अबव होते हैं, 55-60 के अबव, तो स्कोर आपका 50-55 तक पहुँचता है। और कितने बच्चे होते हैं जिनका जो है एक्सपीरियंस होता है, इनका कितने बच्चों का JRF होता है कि चलो उसके 2 नंबर एक्स्ट्रा लग ले। ज़्यादातर बच्चे नेट वाले होते हैं, ज़्यादातर बच्चे का रिसर्च पेपर भी नहीं होते, फिर रिसर्च पेपर होते हैं तो वो आगे काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है कि ये सब ढोंग है कि भी आपको PhD में रिलैक्सेशन दे दिया, जब अभी उत्तराखंड में भी यही है। अगर आपका स्कोर 50 या 55 बन रहा है तो आपको कॉल ही नहीं आएगा, PhD वालों को आएगा। 50 में 30 या 25 ऐड करो तो आपका 75 या 80 तक आपका स्कोर पहुँच जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने एडमिशन लेना है तो जहाँ भी आपके आसपास यूनिवर्सिटी पड़ती है वो सही है, सबसे बड़े सही है, उस पर कोई स्कैम ना हुआ हो, उसका बैकग्राउंड देखिए, तभी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए। और उसके पुराने बच्चों की तरह से पूछिए कि यूनिवर्सिटी जैसे परेशान तो नहीं करते कि डिग्री जमा करवाने में, इस तरह ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखिए, एडमिशन लीजिए। नीलम यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ सर है, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा आप अपने स्तर पर भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।